काले भैया को भरा दिए, तो हमारी भाभी काली हो गई। इतनी खुशी हंस के जी मांगे पलाकू। इनको हम लेके चले इसे कीचल में फेंक दिए। तो हेलो गाइस, हाँ मैं गंगा जी में, इन्हें सच में देवी आ गई। हेलो दोस्तों, तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आज है होली और ये है हमारा पूरा परिवार। और आज हम जा रहे हैं भैया के नए ससुराल होली खेलने। जो दीदी भी जा रही है और भैया भी जा रहा है, और हमारे भैया की सगाई हो चुकी है, मतलब की आधी शादी। और भैया के ससुराल वालों ने उन्हें होली खेलने के लिए बुलाया है। तो मैं पहले अपना जादू दिखाऊंगा और फिर भैया के ससुराल जाऊंगा। तो ये हमारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी है, तो इन्हें मैं जादू से उड़ाने वाला हूँ। ये हमारी दादी है, अब मैं इन्हें उड़ाने वाला हूँ। हमारे मम्मी पापा हैं, इन्हें भी मैं उड़ाने वाला हूँ। भैया के ससुराल के लिए बस निकलने वाले हैं, वहाँ पे भी सबको मैं उड़ाऊंगा। तो हम भैया के ससुराल के लिए निकल गए। रास्ते से हमें कलर और मिठाइयाँ भी लेना है, तो हम कलर की दुकान पहुँच गए। यहाँ से हम कलर ले जाएंगे, भैया के सालों और सालियों को हराएंगे। मैंने यहाँ पे देखा ये विग, और मैंने विग लगा लिया। पर मुझे पता है ये विग मेरी फटने वाली भैया है के ससुराल जाके, इसलिए ये विग मैं लेता ही नहीं। फिर हम इस दुकान से मिठाई भी ले लेते हैं, और अब हम फिर निकल गए भैया के ससुराल के लिए। और आप लोग ये चेहरा देख लो, आपको थोड़ी देर बाद ये चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। तो हम भैया के ससुराल के गांव पहुंच गए। इस गांव के नाम है राघा बाबा गंसोर। भैया का ससुराल बस आ ही गया, यही भैया का ससुराल है। अब हम अंदर जाने लगे और सोफे पे जाके बैठ गए। मोहल्ले के लड़कों ने भैया का गाल लीला कर दिया। लगवा है भैया उनके साले के साथ बैठे। ये बच्ची भी आ गई होली खेलने के लिए, और इस बच्ची का नाम है झुंझुनी, और ये पूरी भैया की सालिया है। अभी तो हम पूरी गुलाल से होली खेल रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या होता है। होली में रंगीले हो गए। ये हमारी भाभी। अब भैया भाभी को कलर लगाने लगे, और भाभी भी अरे अच्छी जोर से अरे तो और अब कुछ मीठा हो जाए। मेरा भाई सीधा सादा। अब हम निकल गए जंग में। राजा बाबू के घर, और ये है राजा बाबू, और ये शकल आपको थोड़ी देर बाद ऐसी नहीं मिलेगी। तो ये है राजा बाबू की दादी, मतलब की मेरी नानी। तो नानी के लगान दो, नानी के भूत नहीं बना था। और ये हमारी मामी। हमारे भैया तो गुलाल से नहा के आए, और अब राजा बाबू मिट्टी उठा के ला लिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये है हमारी नानी का घर, जो भैया के ससुराल में ही है, और यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो मुझे जिसका डर था वो हो गया। इतनी खुशी हंस के जी मांगे नाले दस के जी मांगे। दोस्तों अब मेरी बारी है, मुझे छोड़ दो, मैं तो बच्चा हूँ। हर भी मैं दिल जब देखे तेरे तू जाट और ऊपर से स्मार्ट। तो दोस्तों ये मैं हूँ, तो मैं भी पहुँच गया रंग लगाने। तो अब मैं और रंग ले रहा हूँ, और अब है मिसल लंबू। तो ये है भैया की सबसे लंबी साली। यहाँ पे सब लोग भूत बन चुके हैं। मैं भूत हूँ। लई ओम, ये देख जा, जो धोल लई उनने, पलक में धोल लई, जल्दी, 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 लगा। इसे तो कीचल में बैठा दिए। बेचारी दिशा, और अब दीदी की बारी है। और अब मुन्नू को भी, मुन्नू को ऐसे देख के आराम आता ऐसा लगता है ये यहीं पड़ी रहती। अच्छी दिख रही है ना। हमारा
हमारा सपना अधूरा रहा दोस्तों, ये उठ गई। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है दोस्तों, ये मुझे गिरा रहा था और खुद ही गिर गया। Once more. मेरे तो एल लग गए। इसे बहुत ही जोर से लगी। सॉरी सज्जन सिंह। अब फिर हम भैया के ससुराल आ गए। ये भैया की दोनों सासू माँ, ये मम्मी सासू माँ और ये चाची सासू माँ। राजा बाबू भी रंग गया। इसे कहते हैं दुनिया गोल है। हम जिसके साथ वैसा करेंगे हमें भी वैसा ही मिलेगा। राजा बाबू का बल्ला निकल गया। ये फंस गया सी। पानी ला, पानी पानी, अरे पानी पानी, कोई पानी कारण नहीं। अरे होली में रंगीले हो गए। देखिए गाइस, साइड में स्क्रीन में दिख रही होगी, ये पलक थी। अब ये देखिए, साइड में इनकी शक्ल दिख दे रहा हूँ मैं। तो हमारी भाभी काली हो गई। Once more. दोस्तों हमारी भाभी नीली हो गई। ये हमारी भाभी की सगाई की फोटो है। तो मैंने भैया की सगाई का वीडियो भी बनाया और इस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे तो लग गए। तो हमारा लालू भाई भी आ गया। और यहाँ पे हमारी टीम ने रास्ता पैक कर लिया। चल रही है उनकी है ना, लालू भाई की कटाई चल रही है। हमारी भाभी ने इन्हें रोक लिया और यहाँ पे मुन्नू ने इन्हें मरा दिया। दोस्तों मैं कैसा दिख रहा हूँ कमेंट में जरूर बता। हमारी भाभी कार में बैठ के गाना सुन रही है। बेचारी हो गई। अरे भाभी पहन गए तो ये देख सकते हैं आप, ये कौन है। ये बच्ची पहले ऐसा हुआ करती थी। तो इस बच्ची को फिर से लगाने लगे। तो यहाँ पे हम डीजे लगाने वाले हैं, फिर सब लोग नाचेंगे। दोनों पकड़ ले, दोनों पकड़। ये सब लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली इन लोगों ने मुझे गिरा ही दिया। मैंने मुन्नू को गिरा दिया। इसे कीचल में फेंक दिया। हमारी भाभी भी अब गिर गई।
बच्चा तो भी होश हो गया। ये बच्चे तो सब गुल्लू बना के चला गया। तो होली होली बहुत हो गई, तो मैं सबको उड़ाऊंगा, तो मैं राजा बाबू को उड़ा रहा हूँ। ये भैया की सासू माँ है। और ये भैया की दादी सास। और ये भाभी और उनकी बहन है। और ये भैया के साले लोग। और हम जा रहे हैं मुनी दादा के आश्रम। वहाँ पे बहुत बड़ी नदी है और नहाने की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और झिझनी भी आ गई ना के, पर थोड़ा बहुत कलर है उसके गाल में भरा है। शैम्पूस में नहीं आने के लिए कलर नहीं छूटो। तो अब हम कार में बैठने लगे और बैठ गए। मेरे मोबाइल का सेल्फी का कैमरा पूरा भर गया है। तो फाइनली हम आश्रम पहुंच गए। तो यहाँ पे हम सब लोग पानी नहाने के लिए आए हैं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सीन है। देखिए मोनी दादा बैठे हैं और हम नदी पहुंच गए। तो हम बस नहाने वाले हैं और भैया की बनियान सफेद से पूरी नीली हो गई। ये भाई की बॉडी देख सकते हैं आप। और इन दोनों के भी राहुल भैया भी कूदने वाले हैं, मेरा मतलब कूद गए। और अब मैं भी कूदने वाला हूँ और मैं तो कूद के तैरने लगा। तो देखिए दोस्तों हम है पानी के अंदर और जैसा बाहर सबको तैरते नहीं बनता, मुझसे बनता इसलिए मैं अंदर हूँ। मैं सबको सिखा रहा हूँ तैरना, इनसे बनते नहीं क्योंकि अभी तक आए थी नीचे तैरने। तो हेलो गाइस, हाँ मैं गंगा जी में, आप लोगों ने तो कभी देखे नहीं होगे। देखिए मेरी शक्ल देख सकते, इनसे छुटाते ही नहीं बनता, पूरे काले काले हैं जी। मैं गोरा हो गया। तो हम सब लोग नहा के बाहर निकल गए और नहाने में बहुत ही मजा आया। इसी के साथ हमारा ब्लॉग एंड। बाय बाय।